ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రయోగ్రాజ్ లోని బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. కర్ రహే థే లేకిన్ ఇన్ కర్మయోగియో కి స్వచ్ఛాగ్రహియో కి మెహనత్ కా పతా ముజే దిల్లీ మే లగాతార్ మిల్తా రహతా థా. जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मीडिया में भी मैंने अक्सर देखा कि लोग कुंभ में स्वच्छता की इस बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं. इस प्रशंसा के असली हकदार आप लोग हैं. सफाई के काम में जुटे मेरे भाई बहन हैं. भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जो उसे गढ़ते हैं, बनाते हैं. इनमें से बहुत से पल बहुत यादगार होते हैं, अविस्मरणीय होते हैं. आज मेरे लिए भी ऐसा ही पल है. आज जिन सफाई कर्मी भाइयों और बहनों के चरण धुलकर मैंने वंदना की है, वो पल मेरे साथ जीवन भर रहेगा. उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह मुझ पर ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है. साथियों, दिव्य कुंभ को भव्य कुंभ बनाने में आपने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी. जिस मेला क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा कूड़ेदान हो, 1,00,000 से अधिक शौचालय हो, वहां किस तरह मेरे सफाई कर्मी भाई बहनों ने काम किया है, उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता. लेकिन यह उन्हीं का परिश्रम था कि इस बार कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के तौर पर हुई. इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए और सही से चलाने के लिए स्वच्छता से जुड़े प्रत्येक सफाई कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है. आपके इस योगदान के लिए स्वच्छ सेवा सम्मान कोष की भी आज घोषणा की गई है. इस कोष से इस कुंभ मेले में जिन्होंने काम किया है, इस कोष से आपके और आपके परिवार को विशेष परिस्थितियों में मदद सुनिश्चित हो पाएगी. ये एक प्रकार से देशवासियों की तरफ से आपकी सेवा के प्रति एक स्नेह है, ये आभार है. साथियों, स्वच्छ कुंभ ऐसे समय में हो रहा है जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है. गांधी जी ने तो करीब 100 वर्ष पहले खुद स्वच्छ कुंभ की इच्छा जताई थी जब वो हरिद्वार कुंभ में गए थे. देशवासियों के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान
अपने तय लक्ष्यों पर तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 2 अक्टूबर से पहले पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं प्रयागराज के आप सभी स्वच्छाग्रही पूरी देश के लिए बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। भाइयों और बहनों, साफ सफाई की जब बात आती है तो इस बार कुंभ आने वालों में मां गंगे की निर्मलता को लेकर भी खासी चर्चा है। बीते 1-1.5 महीने से तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अनुभव जान रहा था, आज इसका अनुभव मैंने खुद ने किया है। मैं पहले भी प्रयागराज आता रहा लेकिन इतनी निर्मलता